नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर त्यागी, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है द लग्जरी रियलिटी। अब दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे कंसेप्ट पे जो एक विला, आप विला कंसीडर करें तो विला भी कह सकते हैं या कोठी कंसीडर करें तो कोठी भी कह सकते हैं। 100 गज के अंदर मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट देने वाला हूँ कि अगर जो आप इसमें 500 गज के या कनाल के भी घर में रहें तो वो कंसेप्ट आपको सेम लगने वाला है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन क्लियर करूंगा, ये बरवाला रोड पे पड़ रहा है अपना, गेटी टाउनशिप पड़ रही है, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा अभी एक बार व्यू दिखाऊंगा। व्यू देखिए, कोठियां बनी हुई हैं और पार्क बिल्कुल हमारी कोठियों के साथ है। दो कंसेप्ट है हमारे पास इसमें, एक हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है और साथ के साथ एक हमारा रेडी टू मूव है। आप बैक साइड पे भी देख सकते हैं, पार्क रहेगा, पार्क के बैक साइड पे फिर से 35 फिट की रोड, उसके बैक साइड पे आपकी मार्केट्स आ गई। तकरीबन साइडों पे अगर जो आप देखें कोठियों के साइडों पे हमने जो पाम ट्रीज लगाए हुए हैं, ये भी 5-5 फिट की बर में, जिसे हमने खुद डेकोरेट किया हुआ है। इसके फ्रंट साइड पे मैं आपको एक बार लेके चल रहा हूँ। मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो तकरीबन ये 30 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर पार्क तो मेरे से काउंट ही नहीं हो रहे। तकरीबन आप फिर भी 20 के आसपास इसे लेके चलिए कि छोटे मोटे और बड़े पार्क मिक्स करके ये 20 पार्क रहते हैं। मंदिर हमारा बिल्कुल सोसाइटी के और घर के बिल्कुल सामने रहेगा। रोड के ऊपर आते हैं तो 5-5 फिट के बर्म के इंक्लूडिंग करके तकरीबन 35 फिट की आपकी रोड पड़ रही है। अगर जो आपके घर 2 गाड़ियां हैं या 4 गाड़ियां भी हैं तब भी आपको ये कंसेप्ट बहुत प्यारा लगने वाला है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपनी कोठी के कंसेप्ट पे, आ जाइए प्लीज एक बारी। कोठी का जो हमारा मेन फसाड रहेगा बेसिकली, वो आप मेरे सामने एक बार देख सकते हैं। ये हमारी रहने वाली है 100 स्क्वायर यार्ड की कोठी, जिसकी जो डायमेंशन आपकी रहने वाली है वो 22.5x40 की डायमेंशन रहने वाली है। फ्रंट अगर जो आप देखें 5 फिट इंक्लूडिंग हमने छोड़ा हुआ, 7 फिट का बर्म आ गया, तो आपके पास प्रॉपर 12 फिट का बर्म रहने वाला है। ये 12 फिट की बर्म के साथ आप बाहर डेकोरेट का अगर जो मैं दिखाऊँ आपको, पाम ट्रीज लगाए हुए हैं, साथ के साथ आपको लाइटिंग फंक्शन भी दिया हुआ है। और जो ये वाला हमारा पैच रहेगा बेसिकली ये आपका रहेगा, जैसे आप यहाँ स्टेयर केस बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, बाकी रैंप हमने यहाँ बनाया हुआ है। कोठी के अंदर हम एंटर हो रहे हैं, फर्स्ट ये हमारी मेन एंट्रेंस आ गई। अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आप फॉल सीलिंग की तरफ देखिए, मतलब ये कोठी जिसने बनाई थी उन्होंने ये अपने लिए बनाई थी, बट प्रोग्राम क्या हुआ कि उन्हें कहीं फॉरन शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो ये बेसिकली अपने लिए कंसेप्ट बनाया हुआ है। ड्राइंग, ये हमारा ड्राइंग एरिया है, इसमें आप 10 सीटर लगा के भी बहुत स्पेस आपका इनफ बच जाता है। ये हमारा डाइनिंग एरिया आ गया। फ्रंट में हम चल रहे हैं किचन के पास, किचन प्रॉपर आपका तैयार है, मॉड्यूलर किचन है। अगर जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप ये देखिए एक बारी, ये सारा का सारा सॉफ्ट टच पैनल्स रहने वाले हैं इसके अंदर। अगर जो इन्हें भी हम हटा दें तो आप यहाँ इलेक्ट्रिकल पॉइंट देखिए, हर एक कोने में आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिया हुआ है ताकि आप जितनी भी यहाँ आपके इक्विपमेंट या एक्सेसरीज होती हैं वो आप यूज कर पाएं। डबल सिंक है आपका, साउंड प्रूफ रहेगा। घर के अंदर जितनी फॉल सीलिंग दी गई है वो सारी की सारी आपको LED पैनल के साथ दी गई है। वॉशरूम में अगर जो हम आए तो वॉशरूम आप एक बार देखिए। एक बात और बताऊंगा, आपने फ्लैट्स के अंदर तो ये कंसेप्ट देखा होगा, घर के अंदर हमने डक्टिंग का प्रोविजन आपको दिया हुआ है कि अगर जो कभी भी कोई खराबी आती है बाहर से बाहर ठीक कर सकते हैं। सैनिटरी टोटली ही हमने लगा के दी हुई है। फर्स्ट बेडरूम के अंदर हम आ रहे हैं, फर्स्ट बेडरूम और सेकंड बेडरूम दोनों रूम्स का जो साइज रहेगा तकरीबन अप्रॉक्स 11x12 का साइज रहेगा, विद फॉल सीलिंग LED पैनल्स। साथ के साथ बैक साइड पे अगर जो हम आ रहे हैं तो हम अपने इसमें बालकनी में अगर जो आ रहे हैं, टैप पॉइंट और इलेक्ट्रिकल पॉइंट हमने यहाँ फिक्स करके दिया हुआ है आपको। और बैक साइड पे आप जरा ओपननेस देखिए, घर के बाहर 3 गाड़ियों का प्रोविजन है, बैक साइड पे आप 3 लगाइए, 4 लगाइए, कुछ भी लगाइए। इलेक्ट्रिकल पॉइंट में हमने ऑलरेडी आपको जैसे TV के लिए केबल्स का प्लान दिया हुआ है, आपका AC डक्टिंग आपकी प्रॉपर प्रोविजन करी हुई है। ये सारे घर के अंदर है, इस बार यहाँ दिखाने का मेन पर्पज ये है कि आपको सारे घर का एक आइडिया लग जाए। अब हम चल रहे हैं सेकेंड बेडरूम में, आइए अंदर एंटर हो रहे हैं हम। अंदर एंटर होते ही आपका सबसे पहले वॉशरूम है, ये प्रॉपर आपका 6 BHK रहने वाला है। यहां भी वॉशरूम आपका कंप्लीट विद डक्टिंग पॉइंट, LED पैनल, अपना AC डक्टिंग, पीछे विंडो आपको प्रोवाइड करी गई है ताकि सनलाइट और अपना एयर वेंटिलेशन प्रॉपर रहे। अब हम चल रहे हैं एक बार अपने फर्स्ट फ्लोर पे, आ जाइए।
टोटली ही कंसेप्ट क्लियर है। आप इसके अंदर हमारा पैसेज देखिए एक बारी, पैसेज कितना, मतलब आपको 100 गज की कोठी के अंदर इतना बड़ा पैसेज नहीं मिलता विद 6 BHK। सबसे पहले हम चल रहे हैं अपने बालकनी की तरफ। बालकनी से आप जरा सोसाइटी का व्यू देखिए, ग्रीन एरिया बहुत ही ज्यादा अच्छा मेंटेन करा हुआ है इसके अंदर। रोड की फिनिशिंग, साफ सफाई आप इसमें बहुत देख सकते हैं, क्लियर आपको नजर आ रही होगी। अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आप पैसेज के अंदर भी जरा आप अपना फॉल सीलिंग का कंसेप्ट देखिए विद LED पैनल्स। हम आ रहे हैं थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम के अंदर एंटर होते ही फॉल सीलिंग कंप्लीट है हमारी। ये वाला फिर से आपका डोर बालकनी को कनेक्ट कर रहे हैं। विंडोज आपको अलग प्रोवाइड करी गई है, साथ के साथ यहां से अटैच हो रहा है आपका वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर सैनिटरी आपकी कंप्लीट है विद डक्टिंग पॉइंट। अंदर हम आ रहे हैं सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यहां पे हम आ गए अपने स्टोर के साथ और ड्रेसिंग एरिया के साथ। अपना फोर्थ बेडरूम के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। बैक साइड में चले गए फिर से बालकनी में। तो बहुत ही शानदार आर्किटेक्ट ने ये डिजाइन करा हुआ है। अब हम चल रहे हैं अपने फिफ्थ बेडरूम के अंदर। फिफ्थ बेडरूम के अंदर हम आगे LED पैनल आपका क्लियर है, सैनिटरी क्लियर है, डक्टिंग क्लियर है इसमें। अब चलते हैं सिक्स्थ बेडरूम के अंदर। आप स्टेयर्स की डबल चार्ज जिसके अंदर टाइल्स आपको प्रोवाइड करी गई है, एयर वेंटिलेशन आप देख ही सकते हैं कितना क्लियर है, सनलाइट का प्रोविजन है, बोथ साइड ओपन कोठी है। आपकी बालकनी के साथ साथ हम आगे सिक्स बेडरूम है, इसके अंदर भी फॉल सीलिंग और साथ के साथ वॉशरूम। अगर जो ये आप अपना PG टाइप या आप अपना इसे रेंटल टाइप भी यूज करना चाहते हैं तो ये कोठी कम से कम आपको 30,000 रुपये तो देके जाने ही वाली है। साथ के साथ अब हम आगे अपने टेरेस पे। ये आपका टेरेस यहाँ 6 BHK कंप्लीट है। बैक साइड पे मैं फिर भी एक बार आपको व्यू दिखाना चाहूंगा बैक साइड का इसका। पीछे मार्केट आपकी ओपन है, पीछे आपकी गुलाबगढ़ रोड आ गई, फ्रंट में बरवाला रोड आ गई। ये लोकेशन आपकी मेन हाईवे से सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर का आपका इसका डिस्टेंस रहने वाला है। मंदिर अंदर है, CCTV, 3 टायर सिक्योरिटी आप कह लीजिए, क्लीनिंग के लिए इसके अंदर आपकी सारी की सारी, जैसे क्लीनिंग के लिए अलग लोग रखे गए हैं, इलेक्ट्रिकल अलग रखे गए हैं, मतलब हर तरीके की एक फैसिलिटी आपको एक सोसाइटी के अंदर प्रोवाइड हो रही है। गेटेड कम्युनिटी ये ऑलरेडी है। पार्क के अंदर, एक पार्क के अंदर मैं आपको लेके गया था, तकरीबन यहाँ से आपको 4 पार्क और नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कोठी का जो साइज है वो 100 गज है, डिमांड इसकी 70 लाख है, नेगोशिएबल अच्छा है बट वो ऑन टेबल रहेगा। तो आपको जो नंबर दिया हुआ है प्लीज उस पर डायरेक्ट कॉल करिए, विजिट का प्लान करिए। हमारे पास सिर्फ 2 कोठी है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक रेडी टू मूव है। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।